हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना है। स्पेशल वो लर्नर्स जिन्होंने अभी अभी पीएचडी में एडमिशन लिया या पीएचडी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो कैसे अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ करें जिनको इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो फ्रेशर्स है रिसर्च में एकदम, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए ज़रूर लेके आते ही रहेंगे। और मैं अपनी क्लासेस का शेड्यूल टाइम टेबल आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करने में, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश इकोनॉमिक्स या ठीक है किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है कि जो रिसर्च टॉपिक आप चूज़ करें, पहली चीज़ उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये तो आपने सब मतलब और भी बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, हमेशा यही कहते हैं कि एक रिसर्च टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप 5 साल उस पर कैसे स्पेंड करेंगे, आप तो बोर हो जाएंगे, है ना। सो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, पहली चीज़ यही होती है। और आपको मास्टर्स के दौरान ही थोड़ा बहुत ये पता लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मुझे लगता था। अब कईयों का माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ना, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, कोई कोई इंडियन इकोनॉमी में। सो मतलब आपका इंटरेस्ट किस एरिया में ज़्यादा है ये आपको मास्टर्स में ही थोड़ा बहुत पता लग जाता है। तो अब आपको एरिया कैसे चूज़ करना है, इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बताऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है किसी भी रिसर्च टॉपिक को चूज़ करने में कि जैसे आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है पीएचडी के लिए, ठीक है ना, उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में या कहीं भी वहाँ के मतलब पिछले 10-15 पीएचडी स्टूडेंट्स के थीसिस की लिस्ट ज़रूर होगी, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि वो जो पिछले 10-15-20 सालों से जितने भी पुरानी वो यूनिवर्सिटी है जब से वहाँ से पीएचडी हो रही है, मतलब आपको देखना है कि पुराने स्टूडेंट्स की क्या क्या थीसिस थे, उनके क्या क्या टॉपिक्स थे रिसर्च के, ठीक है। तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। आप सेम टॉपिक तो आप चूज़ बिल्कुल करेंगे नहीं, आपका टॉपिक ऑब्वियसली अलग होगा, लेकिन आपको ये देखना है, थोड़ा सा उसे आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या उनके टॉपिक्स थे और उससे रिलेट करके आपको सोचना है कि मुझे इस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे इस तरह का टॉपिक फिर चूज़ करना चाहिए। काफ़ी आइडिया आपको मिल जाएगा पुराने थीसिस को पढ़ के, ठीक है। पहली ये बात, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत काम आएगी आपके रिसर्च टॉपिक को चुनने में, ठीक है। सो उस थीसिस में आप थीसिस के जो आपने अलग अलग थीसिस पढ़ लिए है ना, तो उसमें आप जो भी 3-4 ऐसे आपको टॉपिक्स लगे कि ये 3-4 टॉपिक्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे और इसके बारे में मैं कुछ रिसर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अलग से उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब उन 3-4 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बैठ के सोचिए, 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए और सोचिए कि कैसे मतलब इन टॉपिक से मिलता जुलता कोई टॉपिक मैं मतलब चूज़ कर सकता हूँ। नेट की थोड़ी मदद कीजिएगा उन टॉपिक्स को, नेट पे थोड़ा सर्च कीजिएगा, गूगल पे उससे मिलते जुलते कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब मान लीजिए कोई आपने थीसिस पढ़ लिया पुराने मतलब स्टूडेंट का, उसने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स पे सर्च की हुई है, उसका ये थीसिस था, ठीक है। सो अब आपको अपना आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा जेंडर रिलेटेड इश्यूज में है, तो आपको कुछ रिसर्च करना है, कुछ उससे अलग चुनना है, तो आप जेंडर वेज गैप पर रिसर्च कर सकते हैं, है ना। सो मतलब इस तरह से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सो अगर एग्रीकल्चर से कुछ बिलोंग्ड है तो आप उसको थोड़ा एग्रीकल्चर टच दे सकते हैं, जैसे जेंडर वेज गैप इन रूरल एरियाज़, है ना। मतलब इस तरह की चीज़ों से आपको आइडिया मिल जाता है पुराने थीसिस पढ़ के कि आप क्या उसमें एडिशंस कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ज़रूर देख लीजिएगा कि जो भी आप टॉपिक चुन रहे हैं उसकी डाटा अवेलेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर अपने स्टेट से ही डाटा कलेक्ट करेंगे कि तो क्या इस टॉपिक पे आपको डाटा मिल जाएगा अपने स्टेट में, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि उस टॉपिक पे आपके स्टेट में आपको ईजिली डाटा मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर डाटा नहीं मिलेगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काम कैसे करेंगे आप, ठीक है। सो वो चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है अपने टॉपिक चुनने से पहले कि उस पर डाटा अवेलेबिलिटी हो आपकी स्टेट में, उसका डाटा ईजिली जो है वो मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और एक और चीज़ रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने में ये रहती है कि वो टॉपिक रेलिवेंट होना चाहिए थोड़ा आज के सिनारियों से।
बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टॉपिक ना हो जिसका आज के सिनेरियो से कोई लेना देना ही नहीं है ना। सो ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए। सो ऐसा टॉपिक हो जिसकी आप इजीली ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं, जिस पे आप डाटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 साल मतलब उस पर आप लगा सकते हैं और 5 साल में बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे उस टॉपिक पे रिसर्च करते वक्त। और मैंने आपको एक आइडिया तो दे ही दिया है कि आपको टॉपिक्स कैसे अपना सेलेक्ट करने हैं थीसिस पढ़ के पुराने स्टूडेंट्स के, ठीक है। सो होपफुली ये आइडियाज़ आपके काम आए होंगे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी हर क्लासेस के लिंक आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू। यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी की एक सब्सक्रिप्शन लेके। UPSC, SSC, रेलवेज़ या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर वहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके अपना सब्सक्रिप्शन प्लान सेलेक्ट करना है और यूज़ करना है मेरा कोड SIMMER10। मेरे इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके आप डायरेक्टली पेस्ट करके 10% ऑफ ले सकते हैं किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन प्लान पर, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो टीम है हमारी वो आपको गाइड कर देगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।